हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर अनुराग, एमडी पीडियाट्रिक्स, एंड आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल किडो केयर। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या कुछ मिस्टेक्स हो जाता है ये फ्रूट्स खाने में। जब भी आप फल खाते हैं तो कुछ पांच बातों को ध्यान में रखें। आज मैं इन पांचों बातों को वन बाई वन पॉइंट बाई पॉइंट बताने जा रहा हूँ, एंड पांचों बातों को अगर आपने ध्यान से सुना है, देखा है, तो मानकर चले आइंदा से कभी भी फ्रूट्स आपको नुकसान नहीं देगा, आपको फायदा ही होगा। तो पहला पॉइंट है, दैट इज छिलका, पील। जनरली लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स के छिलके को छील कर एंड फिर खाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जो फ्लेशी पार्ट होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, जूसी लगता है। लेकिन बात समझने वाली ये है कि ऑलमोस्ट हर फ्रूट्स में वो छिलका जो खाने योग्य है, खाने योग्य है कहने का मतलब, जैसे कि एप्पल का छिलका है, जैसे गुआवा का छिलका है, ये खाने योग्य है। कुछ छिलके ऐसे होते हैं जो आप नहीं खा सकते हो, जैसे मैंगो का है, जैसे बनाना का है, जैसे पपाया का है, तो ये आप नहीं खा सकते। तो जो नहीं खा सकते हो उनके हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन जो खाने योग्य छिलका है उसे बिल्कुल छिलके के साथ ही खाना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी फाइबर्स हैं आप देखो तो मेजॉरिटी ऑफ फाइबर्स इसी पील्स के अंदर छिपा हुआ है, छिलके के अंदर छिपा हुआ है। तो अगर आप छिलका ही हटा दोगे तो फाइबर जाएगा नहीं बॉडी में, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट कैसे करेगा, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन कैसे करेगा, ये आपके शुगर लेवल को कैसे मेंटेन करेगा। तो छिलके की यहाँ पे बहुत जरूरत होती है। तो मानकर चलें जब कभी नेक्स्ट टाइम से आप फ्रूट्स का सेवन करें तो छिलका जरूर खाएं। दूसरा पॉइंट है मील्स, खाना। जनरली क्या होता है, लोग या तो खाने के साथ साथ फ्रूट्स खा लेते हैं, या खाने के तुरंत पहले खा लेते हैं, या खाने के तुरंत बाद खा लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे समझना होगा, फ्रूट्स को नॉर्मल मील्स के साथ आपको मिक्स नहीं करना है। फ्रूट्स हमेशा दो मील्स के बीच में होना चाहिए। आपने सुबह ब्रेकफास्ट ले लिया है, दोपहर आपको लंच लेना है, तो ऑफ कोर्स ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच में आपको ये एज स्नैक्स लेना होता है, या आपने शाम का स्नैक्स लेना है तो लंच एंड डिनर के बीच में शाम में आप यूज कर लें फ्रूट्स को। तो यहाँ पे हमें, अगर आपने फ्रूट्स को अपने नॉर्मल मील्स के साथ मिक्स किया है, तो आप देखें फ्रूट्स के अंदर ये जो फाइबर्स है, ये फाइबर डेंस होता है, ये कहीं ना कहीं आपके डाइजेशन प्रोसेस को फिर हैम्पर भी करेगा। इनडाइजेशन हो सकता है, डिस्पेप्सिया हो सकता है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, एक्सेसिव फ्लैचुलेंस आपको बनेगा, हो सकता है नौजिया सी फीलिंग आए, वॉमिटिंग सी फीलिंग आए, वॉमिट हो भी जाए। तो कहीं ना कहीं आपको फ्रूट्स हमेशा रिएक्ट कर जाता है मील्स के साथ, तो थोड़ा सा आपको गैप देने की जरूरत होती है। तीसरा पॉइंट, लेट नाइट। इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेट नाइट सोते वक्त फ्रूट्स ना खा के सोएं, क्योंकि अगर आप फ्रूट्स खाकर सोते हैं तो फिर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, यही एक्यूट गैस्ट्राइटिस, गैस का बहुत बनना, एक्सेसिव फ्लैचुलेंस, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ नेक्स्ट डे मॉर्निंग देखने को मिलेगा। और कभी कभी तो रात में फ्रूट खाने से आप इतने इरिटेटेड रहते हो कि होल नाइट आप ठीक से सो भी नहीं पाते हो, कभी राइट करवट, कभी लेफ्ट करवट, इस तरीके से आप घूमते रह जाते हो। इन तीन बातों को अगर आपने अच्छे से ध्यान में रख लिया है तो हम चलते हैं अपने चौथे बात पे। एंड चौथा पॉइंट कहता है फ्रीजर में। जैसे क्या होता है कि आप फ्रूट्स खरीद कर लाते हो एंड लाकर आप फ्रिज में रख देते हो, एंड फ्रिज में रखने के बाद में आप उसे निकाल कर खाते हो, तो ऐसा कभी भी ना करें। जो रेफ्रिजरेटेड फ्रूट्स होता है, कुछ ना कुछ आप देखो तो न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी डाउन हो जाती है। इसलिए आपको फ्रूट्स एज इट इज, जिस कंडीशन में आप लेकर आए हो उसी कंडीशन में आपको खाना चाहिए। हाँ, अगर आपको कभी रेफ्रिजरेटर के अंदर रखने की जरूरत पड़ी है तो आप उसको निकालें, कम से कम आधे घंटे से एक घंटे इसको आप बाहर रखें ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए, एंड रूम टेम्परेचर पे ही इसे खाएं। आते हैं अपने पांचवें पॉइंट पे, व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि फ्रूट्स को एज सच फ्रूट्स की तरह खाया जाए या फ्रूट्स को जूस की तरह पिया जाए। यहां पे मैं बिल्कुल क्लियरली आपको बताना चाहता हूं कि फ्रूट जूस ना पिए तो अच्छा है। फ्रूट जूस अगर आप पीते हो तो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, खासकर फाइबर्स, मैं बार बार रिपीटेडली इस बात को बता रहा हूं कि फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो फ्रूट से आपको मिलता है, ये फाइबर्स आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, चूंकि आप लिक्विड में ले रहे हो इसे एज जूस, तो जो शुगर वैल्यू है आपके बॉडी का, ये बहुत फास्टली राइज करता है।
तो कहाँ हमें फ्रूट्स चाहिए होता है अपने शुगर वैल्यू को रेगुलेट करने के लिए, यहाँ तो उल्टा फ्रूट जूस आपके वैल्यू को बढ़ा दे रहा है। तो इसलिए मानकर चलें कि हमें फ्रूट जूस ज्यादा नहीं पीना है। कभी भी आप लेना चाहें तो फ्रूट्स एज सच लें, ऑफकोर्स पीसेस में काट काट कर लें, छोटे छोटे पीसेस में खाएं, पिए नहीं। उम्मीद करता हूं ये पांचों पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। लाइक का बटन दबा दें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी कर लें हमारे चैनल को, आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम एंड डे टू डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में, टिल देन बाय।